इसके अलावा लैब्स में होता है कि जब वो सैनिटाइज कर लेते हैं, हाँ हाँ एक्सपायर होते हैं, ठीक है। और हुआ भी है, हमारी लैब में भी हुआ था, जब उसने बर्नर जलाया और ये वो जो उसने कॉटन स्क्रैप था वो डाला बास्केट में, और बर्नर जिस तेजी से जाया ना, तेज ना करके वो बास्केट में डाल दिया, ठीक है। तो थोड़ी देर बाद जी आग जो कहाँ से स्मेल आ रही है, वो जो बाल्टी पीती है वो उसके ऊपर कंट्रोल हो गया। लेकिन अगर बड़े पैमाने से होता तो डेफिनेटली था उसको कोई नहीं। ये बहुत बड़ा इशू है। ये बेसिकली किचन फायर भी होती है, उसको भी इग्नोर कर देते हैं। इसी तरह ऐसी वर्क प्लेसेस, इस तरह ये जो डस्टबिन होते हैं उसके अंदर कई लोग बर्ड्स फेंक देते हैं, वो जो कि बाद में फायर का रीजन बनती है। सो ये वी वर डिस्कसिंग बिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब इसके अंदर बेसिकली क्या है कि अगर इन अ फैक्ट्री एरिया, जनरेटर, पावर स्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और लॉन्ग केबल्स, ये एक बड़ी एरिया होती है। इसके अंदर बहुत, अगर खुदा ना खासा कुछ गलत हो जाए तो बहुत खतरनाक फ्लैश होता है। नीड ए कंप्लीट सर्किट फ्रॉम द पावर स्टेशन टू द मशीन एंड बैक अगेन। तो ये उसका जो बेसिकली, अब बीच में जो मेकशिफ्ट अरेंजमेंट्स होते हैं वो नहीं होने चाहिए, अब ज्वाइंट्स नहीं होने चाहिए वायर्स के अंदर, ये बिकॉज दे एक्चुअली टेंड्स टू इंक्रीज द रिस्क लेवल। इंसुलेशन इंसुलेशन स्पेशली जो के हम एक्सटेंशन वायर्स यूज करते हैं उनका बहुत बुरा हाल हो जाता है, और वो हम उसको भी कीप ऑन यूजिंग इट, उसको हम एड्रेस नहीं करते। हैंडल्ड इक्विपमेंट के साथ जो चीजें हम यूज करते हैं, पोर्टेबल लाइट, वो एक बहुत बड़ा एलिमेंट है कि जिसको हमें एड्रेस करना चाहिए। एवरीथिंग इन सर्किट ऑफर रेजिस्टेंस, जाहिर बात है जो उसके रास्ते में आएगा तो उसके लिए बेसिकली आपको जो अर्थिंग सिस्टम है वो होना चाहिए, ताकि इन इवेंट ऑफ एन इंसिडेंट तो बंदा बच जाए, लीस्ट रेजिस्टेंस पे जाना चाहिए। ये एक स्टैटिक्स है ओवर सम पीरियड, पीछे एक जगह का मैंने देख रहा था तो मैंने कहा इट्स वर्थ शेयरिंग, कि फेटेलिटी इंसिडेंट है कि सॉकेट फेड इक्विपमेंट के साथ और वर्क ऑन लाइव इक्विपमेंट, अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग के ऊपर एलिमेंट है, अनऑथराइज एक्सेस है और इनएडिक्वेट इंस्टॉलेशन। तो ये देखें कि कितने फेटेलिटी केसेस हैं, 40 फेटेलिटी केसेस सॉकेट फेड इक्विपमेंट के साथ हैं एक कोई 15 सालों। अभी लेटेस्ट सिचुएशन हो सकता है इम्प्रूव होगी, लेकिन मैंने किसी एक जगह का डेटा रखा जस्ट टू गिव यू एन आइडिया। इलेक्ट्रिक शॉक, इलेक्ट्रिक फायर, ये बेसिकली प्रिंसिपल डेंजर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रिक शॉक है जो कि अमूमन होता है हमारे घरों में, इवन इट हैपन इन द होम, स्पेशली जो फैंस हैं और जो वॉशिंग मशीन्स हैं, और वर्क प्लेस के ऊपर जहाँ पे अर्थिंग नहीं हुई होती इक्विपमेंट की प्रॉपरली, वहां पे ये होता है। एंड देन इलेक्ट्रिकल फायर जो कि अभी बात हमने की है, इलेक्ट्रिकल बर्न जहाँ फ्लैशेस होते हैं, ये EHT पैनल्स यहाँ पे लगे होते हैं, वंस इन अ वाइल अगर कोई खुदा ना खासा इंसिडेंट हो जाए बहुत ही खतरनाक मोलग होता है। एक्सप्लोजन, आर्किंग, आर्किंग हो जाती है, हाई वोल्टेज जिस तरह जहां पे जाता है तो वहां पे भी एक इशू होता है बहुत ज्यादा। कई दफा हमने देखा हाई टेंशन केबल के पास से उसके इर्द गिर्द इतना फील्ड होता है कि वो बंदा उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता, एंड फाइनली वो इन केस इवन वो लॉस इज लाइफ। ये काफी कॉमन लग रही होगी आपको ये वाली पिक्चर क्वाइट फैमिलियर पिक्चर है ना, और हम खुद भी ऐसे ही करते हैं। डैमेज प्लग एंड सॉकेट फेड इक्विपमेंट, टेप, ज्वाइंट, केबल, ब्रोकन प्लग्स, एक्सपोज कंडक्टर्स आर सम ऑफ द ऑब्जर्व डिफेक्ट्स इन सच पुअरली मेंटेन इक्विपमेंट। ये एक्चुअली दिस लीड टू इलेक्ट्रिक शॉक, क्योंकि इसमें बंदा बहुत करीब जाके उसको अटेम्प्ट करता है लगाने की, बच जाए तो बच जाए, नहीं तो फिर बाद में तो कहते हैं ऐसे ही था ये।
और एक ना ऑब्जर्वेशन मेरे, कल मैं घर में प्लगिंग कर रहा था, तो मैंने प्लगिंग लगाया ठीक है, वो ऑफ था। जब मैंने लगाया ना तो लैपटॉप तो चलता है मीन्स के, वो ना फ्री हो चुका हुआ था, जो स्विच था ना वो फ्री हो चुका हुआ था। ये भी एक ख्याल रखना चाहिए, बेशक ऑफ है या ऑन है, आपको सेफली उसको करना चाहिए। अगर वो बिल्कुल, तो मैं ये सोच रहा था कि ये तो ऑफ है, तो कहीं पे टच हो जाए या कोई भी ऐसा सिस्टम हो, वो भी एक हैजर्ड है। हाँ, तो वो कई दफा होता है, अगर आप बिहेवियर की बात करें तो ऐसे वो मेज के पीछे होता है, उसको ऐसे करके खींचते हैं तो कई दफा उंगली अंदर चले जाती है, वो पूरा बाहर नहीं आता। तो वो कई दफा लोगों के साथ हो चुका हुआ ये, एज एयर मिस जो है ना वो है, तो वो उसको स्विच ऑफ करना चाहिए। अगेन दिस इज अ बिहेवियर, कि आप पहले व्हेन एवर यू वॉन्ट टू वर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, आप पहले उसको स्विच ऑफ करें एंड देन आप उसकी केबल बाहर निकालें। अगर लगानी भी है तो पहले मेक श्योर करें कि उसका स्विच ऑफ है या नहीं है। नहीं, मैं यही तो बात बता रहा हूँ कि स्विच ऑफ था, लेकिन स्विच असल में फ्री हो चुका हुआ था, तो वो तो ठीक एक, है। हाँ हाँ, लेकिन पता नहीं था, मुझे नहीं पता था कि ये फ्री हो चुका हुआ था, तो ये भी देखना चाहिए, बेशक तो ऑफ है या ऑन है, यस सेफली आप उसको सेफली। करें। तो अभी इधर बात कर रहे थे, समबडी हैज जस्ट मेंशन वर्क परमिट, किसने की थी, आपने बात की थी, आपने बात की थी वर्क परमिट। वर्क परमिट जो है वो बेसिकली उसके अंदर यही रिस्क असेसमेंट होती है ना, कि जब आप उस पर जाते हैं तो अगर इलेक्ट्रिकल वर्क परमिट है तो इलेक्ट्रिकल वर्क परमिट रिक्वायर्स यू टू हैव डबल आइसोलेशन एटलीस्ट एक वो पॉइंट। इफ फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये लाइट चेंज करनी है तो एक तो मैं यहाँ से स्विच ऑफ करूँ और एक जो इसका पीछे डीवी में है वहां से ऑफ करूँ, और फिर अगर उससे भी मैं थोड़ा सा आगे जाता हूँ तो देन वी आई विल पुट अ टैग ऑन इट। वो इलेक्ट्रिशियन अगर उससे भी आगे जाए तो, हाँ लॉग आउट टैग आउट, उसके भी आगे जाए तो वहां पे इलेक्ट्रिशियन की पिक्चर या वो जिसने उसको किया है वो अपना नेम टैग वहां पे लटकाता है कि ये मैंने किया है, डेट डालता है उसके ऊपर, ये इस वक्त मैंने इस टाइम पे किया है। उससे भी आगे जाए तो उसको लॉग इन की गया सिस्टम। सो दीज आर फ्यू कंट्रोल विच आर एक्चुअली फॉर इलेक्ट्रिकल सिस्टम।